तो भाइयों, मैं हूं गैस ग्रिलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी न्यू हुंडई वेन्यू। दोस्तों, अगर आप 2024 के अंदर हुंडई वेन्यू लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में इस गाड़ी के 7 रीजंस टू बाय हुंडई वेन्यू 2024 के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या 7 रीज़न हो जाते हैं कि आपको 2024 के अंदर हुंडई वेन्यू को लेना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले रीज़न से बात करते हैं। अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, स्टार्ट करते वीडियो को। जो सबसे पहला रीज़न हो जाता है ना इस गाड़ी को 2024 में लेने का, वो हो जाते हैं गाइस इस गाड़ी के लुक्स। देखो, अगर आप एक गाड़ी लेने की बात करते हो या फिर एक पर्टिकुलरली आप डीजल लेने की बात करते हो कि भैया डीजल गाड़ी लेनी है, तो सबसे पहले ना जो जवान पर नाम आता है वो आता है क्रेटा का, कि भैया क्रेटा उठा लो। लेकिन फिर क्रेटा ऐसी चीज़ हो जाती है कि भैया बजट वेरी करता है, कि बजट इतना रहता है नहीं, उनको चाहिए 14 से 15 लाख रुपये के बीच में। और क्रेटा के आज 2024 के अंदर आपको जो बेस वेरिएंट है ना, वही 14.5 लाख रुपए का डीजल के अंदर पड़ता है, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो जो चीज़ है वो हो जाते हैं इस गाड़ी के लुक्स जो आपको मिलते हैं ना, एकदम मिनी क्रेटा वाले यहाँ पे आपको लुक्स देके रखे। आप चले भले ही फ्रंट से चेक करो या फिर साइड बाय साइड क्रेटा और साथ ही में वेन्यू को खड़ा कर दो, तो देखो सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाती है। जो ग्रिल देके रखी ना, सेम टू सेम आपको क्रेटा के अंदर भी मिल जाती है। साइड लुक से देखो या फिर रियर से देखो, कनेक्टिंग टेललाइट क्रेटा के अंदर भी और कनेक्टिंग टेललाइट इसके अंदर भी है, तो सेम टू सेम आपको लुक्स मिल जाते हैं। बोलते हैं इसको मिनी क्रेटा ही है, तो आपको जो लुक्स हो जाते हैं ना सबसे बढ़िया इसकी आपको रोड वेज मिल जाती है, साथ ही में जो आपको लुक्स है ना बहुत शानदार से मिल जाते हैं। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का सबसे पहला रीज़न 2024 में लेने के लिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे रीजन की। तो दूसरा रीजन वो हो जाता है इस गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस और इंजन। 1.5 लीटर का जो इंजन है डीजल इंजन, सबसे नेक्स्ट लेवल डीजल इंजन हो जाता है। पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1500 सीसी का आपको यहां पे मिल जाता है CIDI डीजल इंजन 4 सिलेंडर वाला। तो जो आपको पावर देता है ना वो देता है वो आपको 114-113 BHP और 250 NM टॉर्क के साथ। तो जो आपको जो इंजन के साथ रिफाइनमेंट मिलने वाली, जो पावर मिलने वाली, जो एफिशिएंसी मिलने वाली है, सेगमेंट में कोई से भी गाड़ी नहीं देने वाली है, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। अगर मैं सेगमेंट में बात करूँ, आपको यहाँ पे नेक्सॉन मिल जाती है, आपको यहाँ पे 3XO मिल जाती है, लेकिन उन गाड़ियों के अंदर आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी, तो किसी में रिफाइनमेंट कम मिलेगी, किसी के अंदर एफिशिएंसी कम मिलने वाली, किसी के अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा मिलने वाली, लेकिन तीनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिलने वाली, पावर, एफिशिएंसी, रिफाइनमेंट, ये तीनों चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर आइडियल पे हैं, एसी को ऑफ करते हैं, 3, 2, 1, ये देखो, हंड्रेड भाई क्या पावर है इसके अंदर, इतनी जल्दी 100 चली गई। तो जो पावर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है, साथ ही में जो ब्रेकिंग है, जो ब्रेक्स और जो पावर इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत शानदार सी मिलने वाली है। जैसे मैंने आपको पावर बताई, आपको यहाँ पे मिल जाती है 113-114 BHP 250 NM टॉर्क के साथ। सो ये इसकी पावर हो जाती है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो आपको जो गाड़ी एफिशिएंसी देने वाली है, अगर इस गाड़ी को आप अच्छे से भी चलाते हो या फिर जैसे अभी मैंने लॉन्च करी, खैर ऐसे कोई चलाता नहीं है रोज़, पर एक जनरली बात करें आप गाड़ी को नॉर्मल चलाते हो जैसे सब चलाते हैं, बट ऑब्वियसली जो नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलती है, तो आपको ये गाड़ी है ना 20+ इजीली देने वाली है। मैं लिख कर दे देता हूँ आपको, जो 4 सिलेंडर डीजल इंजन है ना, ये आपको 20+ इजीली देगा। अभी मैंने रीसेट करके रखा हुआ है, तो सारी चीज़ें उसको छोड़ो, इसको देखो ही मत, 13 13 13 भैया 20 का एवरेज कहीं पे भी नहीं गया। हुंडई वेन्यू आपको 20 का एवरेज इजीली दे देगी, और साथ ही में जो आपको रिफाइनमेंट मिलने वाली है, 5th गियर, यहाँ पे आप RPM चेक कर लो, 1100 RPM, यहीं पे अगर 6 भी डाल दो मैं, 800 RPM दबा रहा हूँ, नथिंग, कुछ भी नॉकिंग वगैरह नहीं है और गाड़ी पुल कर रही है, कोई भी दिक्कत आती नहीं है। सो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा रीजन कि जो आपको इंजन मिलने वाला है ना 1.5 लीटर का डीजल इंजन, सबसे नेक्स्ट लेवल आपको सेगमेंट में मिलने वाला है। मैंने आपको बता दी कि आपको अगर तीनों चीज़ें चाहिए, पावर, एफिशिएंसी और साथ ही में रिफाइनमेंट, तो इस इंजन से अच्छा आपको इंजन मिलने वाला है नहीं। सो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा रीज़न। अब बात करते हैं इसके तीसरे रीज़न की। तो वो हो जाता है इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स। अब सेफ्टी फीचर्स कैसे हो जाते हैं, देखो इसके अंदर कोई भी ऐसे कोई प्रूवन सेफ्टी नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है कि 5-स्टार रेटेड वगैरह, जैसे टाटा नेक्सॉन और साथ ही में आपको जो अपनी 3XO के अंदर मिल जाती है। सो जो सेफ्टी फीचर्स आपको बेस वेन से गाड़ी देने वाली है, मैं आपको गिनाता हूँ, कोई सी भी गाड़ी आपको बेस वेन से इतने सेफ्टी फीचर्स नहीं देती, लेकिन ये गाड़ी देती है। अगर मैं ब्रेजा से कंपेयर करूँ या फिर अगर दूसरी गाड़ियों से भी कंपेयर करूँ, तो देखो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ESP मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, हिल असिस्ट मिल जाता है, साथ ही में आपको इसके अंदर TPMS मिल जाता है। भैया TPMS जैसे फीचर बेस वेन से आपको मिल जाते हैं, तो जो सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं ना बेस वेन से, इसके अलावा कोई सी आपको गाड़ी देने वाली है नहीं। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का तीसरा रीज़न। अब बात करते हैं इसके चौथे रीज़न की। तो वो हो जाता है
इस गाड़ी का फिट एंड फिनिश। अब गाइस देखो, अगर आप 2024 में वेन्यू या फिर दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हो तो जो फिट एंड फिनिश इस कोरियन कंपनीज की रहती है वो सबसे नेक्स्ट लेवल हो जाती है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस गाड़ी का इंटीरियर चेक करो, आपको कहीं पर भी ना पैनल गैप जैसी चीज़ नहीं मिलने वाली। अगर मैं टाटा से कंपेयर करूँ, अगर मैं एक्सयूवी या महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO से कंपेयर करूँ, तो जो पैनल गैप है ना टाटा की गाड़ियों में, तो फिर भी इतने सारे पैनल गैप दिखते हैं, मतलब आप कहीं पर भी घुसो आपको पैनल गैप मिल जाएगा। एक्सयूवी 3XO का ऐसा है कि उसके अंदर पैनल गैप आपको देखो डैश में तो नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे डिक्की वगैरह, वहाँ पर आपको पैनल गैप्स मिल जाएंगे। लेकिन जो हुंडई वेन्यू है ना, इसकी जो फिट एंड फिनिश और जो पैनल और प्लास्टिक क्वालिटी वो सबसे नेक्स्ट लेवल हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, कहीं पर भी आपको पैनल गैप जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। दो प्लास्टिक हार्ड है, लेकिन जो एक प्रीमियम प्लास्टिक रहता है ना, कि भैया हाँ प्लास्टिक भी यूज़ करा तो प्रीमियम प्लास्टिक यूज़ करा है, वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। कि जो फिट एंड फिनिश हो जाती है ना वो इस गाड़ी की, वो सबसे बढ़िया हो जाती है अगर आप कोई सी भी दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हो। अगर मैं ब्रेजा से कंपेयर करूँ, सबसे चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक मारुति सुजुकी ब्रेजा यूज़ करती है, या फिर मारुति सुजुकी बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो वो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पर आपको फिट एंड फिनिश वगैरह डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है। फिट एंड फिनिश के मामले में, प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। ये हो जाता है इस गाड़ी का चौथा रीज़न। अब बात करते हैं इसके पाँचवें रीज़न की, तो वो हो जाता है इस गाड़ी की प्राइजिंग। अब वो प्राइजिंग कैसे हो जाती है, देखो अगर आप कंपेयर करते हो, अरे यार सिग्नल आ गया अंकल जी, बताता हूँ थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो जाए। जो इस गाड़ी की प्राइसिंग हो जाती है ना, वो स्टार्ट होती है, मैं पर्टिकुलरली डीजल की बात कर रहा हूँ, बेस वेरिएंट की 10,71,000 रुपये से स्टार्ट होती है और जाती है 13,44,000 रुपये एक्स शोरूम। अब ये सुन लेना, अब मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी की बात करते हैं। सीएनजी का कोई लेना देना नहीं इस गाड़ी से, लेकिन बात करते हैं कैसे वो गाड़ी स्टार्ट होती है 9.5 लाख रुपये, 9,29,000 रुपये एक्स शोरूम से, और जाती 12,26,000 रुपये एक्स शोरूम। टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, ZXi प्लस या डुअल टोन ऐसा कुछ है, वो 12.5 लाख रुपये एक्स शोरूम हो जाती है, 12,26,000 रुपये। अब ये इसके अंदर बेस वारंटी एस प्लस से स्टार्ट होता है, तो ये समवेयर आपको पड़ता है 12.5 लाख रुपये का ऑन रोड। अगर आप ब्रेजा लेने का सोच रहे हो, आपको एफिशिएंसी चाहिए कि ब्रेजा सीएनजी, मतलब सीएनजी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप ब्रेजा सीएनजी लेने का सोच रहे हो कि वो आपको एफिशिएंसी ज़्यादा दे देगी और आपको साथ ही में फीचर्स वगैरह चाहिए, तो आप उसका टॉप वेरिएंट उठाते हो, फॉर एग्जांपल ZXi वगैरह, तो आपको जो ZXi वेरिएंट पड़ता है ऑन रोड इंदौर के अंदर, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, 14,40,000 रुपये का पड़ता है। अगर आप इस गाड़ी का SX वेरिएंट ले लो डीजल के अंदर, सबसे मेन चीज़ है डीजल के अंदर, उस गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस नहीं मिलती, इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाती है। अगर मैं डीजल की बात करूं, अगर आपको मतलब अगर एफिशिएंसी की बात करूं, तो ये जो गाड़ी आपको एफिशिएंसी देने वाली, मैं 20 एकदम मिनिमम बता रहा हूं, अगर आप हाईवे पर जाते हो तो 22, 23, 24 भी दे सकती है, और वहीं आपको ब्रेजा जैसी गाड़ी इतना एफिशिएंसी देने वाली सीएनजी के अंदर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक पावर उस गाड़ी के अंदर नहीं, दूसरा ड्रॉबैक बूट स्पेस उस गाड़ी के अंदर है नहीं, तीसरा ड्रॉबैक कि फीचर्स इतने नहीं जितने ये गाड़ी आपको बेस वेरिएंट से देती है। ये चीज़ें हो जाती है, तो आपको जो इस गाड़ी का SX वेरिएंट मिलने वाला है वो समवेयर आपको 14 लाख रुपए के अंदर ही मिलने वाला है, 14 से अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, कंपेरेटिवली मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी की। मतलब एक लॉजिक बताओ, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा फायदेगरी डीजल गाड़ी रहती है। आपको डीजल लगभग हमारे इंदौर में तो सेम प्राइस का ही पड़ता है, हमारे इंदौर में तो आपको सेम टू सेम प्राइस का पड़ता है, मतलब 91-92 का डीजल है तो इतने की आपको सीएनजी मिलने वाली है। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, मतलब अगर आप कंपेयर नहीं भी कर रहे तो मैं बता रहा हूँ इसकी प्राइसिंग। देखो बेस वेरिएंट लेना है सीएनजी का ले लो, और फिर अगर आपको पैसा खर्च करना ही है, भैया 14 लाख रुपये बहुत होते हैं एक सीएनजी गाड़ी के लिए, 14 लाख रुपये में आपको डीजल जैसी गाड़ियाँ मिल जाती है, आपको नेक्सॉन भी मिल जाएगी, आपको सोनेट भी मिल जाएगी, आपको वेन्यू भी मिल जाएगी, आपको 3XO भी मिल जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि भैया डीजल गाड़ी उठाओ कंपेरेटिवली अगर आप सीएनजी में जा रहे हो। तो ये हो जाती है इस गाड़ी की प्राइसिंग, जो मैंने बताई आपको बहुत शानदार सी इस गाड़ी के अंदर आपको प्राइसिंग मिल जाती है। अब ये हो जाता है इस गाड़ी का पांचवा रीज़न। अब बात करते हैं इसके छठे रीज़न की, तो छठा रीज़न गाइस हो जाता है वो हो जाता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस की बात करते हैं। तो हुंडई की जो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस है ना, सबसे शानदार हो जाती है, मैं तो बता रहा हूँ मारुति सुजुकी से भी ज़्यादा अच्छी इस गाड़ी की आफ्टर सेल्स एंड सर्विस हो जाती है। देखो इसको मिनिमम कॉस्ट, इसको मतलब एक सर्विस कराने का जो मिनिमम कॉस्ट आने वाला है वही 7,000 से 8,000 रुपये मैक्सिमम पेट भर के आने वाला है, और जो हुंडई का आपको मिल जाता है सर्विस स्टेशन का एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। आप जर्मन वगैरह चले जाओ, यानी कि VW वगैरह जाओ, तो आपकी जेब ऐसे खाली होती जैसे कि बस मटके में किसी ने पानी कूड़ा हो, कुछ उस तरह से आपका जेब खाली होती है, और साथ ही में सब कार धोते तो कैसे बाल्टी उलझ देते हो, वैसा पानी खत्म होता है, उस तरह से आपकी जेब से पैसा जाने वाला है अगर आप जर्मन कार लेते हो। तो सेल्स एंड सर्विस के मामले में अगर आप मारुति सुजुकी लेते हो, सस्ती पड़ने वाली है, बहुत सस्ती पड़ने वाली, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो इतना खास रहने वाला है नहीं, और फिर वही है कि आपको वहाँ पर थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम मिलने वाली है। ये जो डीजल इंजन है ना बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, रिलायबल कैसा, लाखों किलोमीटर चला दो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और जो हुंडई एज ए ब्रांड की जो
हुंडई एज ए ब्रांड की जो आपको आफ्टर सेल्स एंड सर्विस मिलने वाली है वो बहुत शानदार सी मिल जाती है। अगर आप भारत के कोई से भी कोने में चले जाओ तो आपको जो चीज़ है ना, मतलब कि आपको सर्विस एक्सपीरियंस कैसे मिलना है, सर्विस स्टेशन की बात करें तो आपको हर जगह मिल जाता है सर्विस स्टेशन। कहीं पे भी आपको सर्विस स्टेशन में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, मिनिमल कॉस्ट पे आपकी गाड़ी यहाँ पे सर्विस हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये इसका गाड़ी का छठा रीज़न हो जाता है। अब बात करते हैं इसके लास्ट रीज़न की, सातवें रीज़न की, वो हो जाती है इस गाड़ी की हैंडलिंग। एक बार आप चेक करना, मैं 50 पे हूँ। ये देखो गाड़ी ज़रा भी यहाँ पर ना गाड़ी अनस्टेबल नहीं हो रही है ज़रा भी। मतलब गिवन मूवमेंट पे ना गाड़ी गिव इन मूवमेंट पे जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसी ही हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। टर्निंग रेडियस की बात करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ हैंडलिंग की। अब हैंडलिंग में देखो रिस्पॉन्स, जब हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो टर्निंग रिस्पॉन्स और रीसेंटर होता है कि नहीं, टर्निंग बहुत ईजिली हो जाती है और रीसेंटर भी ईजिली हो जाता है। और हैंडलिंग में ना जैसे मैं हाई स्पीड पर भी चेंज करूँ लेन तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा चिपक के चल रही, मजाक से हटके, मतलब मैंने वेन्यू को कभी ऐसा चलाया नहीं है, पहली बार ही चला रहा हूँ, लेकिन जो गाड़ी चिपक के चल रही है, तो एकदम से कोई आया, ये लो, कोई भी दिक्कत नहीं। ब्रेकिंग वगैरह सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड स्टेबल सी हो जाती है। मतलब जो हैंडलिंग आपको मिलने वाली है ना अराउंड द कॉर्नर वगैरह भी इस गाड़ी के साथ आप करते हो, मतलब हाई स्पीड पे भी, देखो ESP भी मिल जाता है। मेन चीज़ एक चीज़ बताना भूल गया था, इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है, तो वो चीज़ें भी आप देखते हो ना तो ये गाड़ी एकदम आपकी चिपक के चलने वाली है, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। अब देखो अराउंड द कॉर्नर, देखो बॉडी रोल जैसा कुछ है ही नहीं, मगर हाई स्पीड पर ये लो लेन चेंज कर, कोई भी दिक्कत नहीं है ज़रा भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं मिलती है। सो ये हो जाता है इसका सातवां रीज़न कि जो आपको हैंडलिंग इस गाड़ी से मिलने वाली है बहुत शानदार सी मिलने वाली है। सो गाइज यही थे ऑल न्यू 2024 वाली Hyundai Venue के 7 रीजन्स टू बाय Hyundai Venue इन 2024। तो एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी रिव्यू में, अगली किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस डीलर आयुष को। धन्यवाद।